शाइला में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल का हुआ समापन। ब्लॉक में विजेता खिलाड़ी अब जिला स्तर पर दिखाएंगे दमखम। शाइला कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में आयोजित ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का समारोह पूर्वक समापन हुआ। समारोह का आयोजन जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग के मुख्य आतिथ्य व एसडीएम सूरजभान विश्नोई की अध्यक्षता में हुआ। बतौर विशिष्ट अतिथि के नाते जिला शिक्षा अधिकारी श्रीराम गोदारा, बीडीओ मनमोहन मीणा, शमशा के ईश्वर सिंह, सीबीओ रेवाशंकर, क्रीड़ा परिषद के रामाराम चौधरी, सुल्तान खान, गोपाल देवासी, आरपी लुम्बाराम चौधरी व भामाशाह दुर्ग सिंह तोरा, डाबली सरपंच हनुमान देड़ू, देता सरपंच आसाराम राणा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जगत सिंह, गिरिराज गुर्जर व पूर्व प्रधान राम प्रकाश चौधरी मौजूद थे। प्रतियोगिता में विजेता रही टीमों के खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा शील्ड व प्रस्तुति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अब जिला स्तर पर दमखम दिखाएंगे। आरपी लुम्बाराम चौधरी ने प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मन संचालन बालकृष्ण दवे व नूर मोहम्मद ने किया। मुख्य अतिथि जोगेश्वर गर्ग ने खिलाड़ियों से जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर अपने गांव व जालौर का नाम रोशन करने की बात कही। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी रेसाराम सुंदेसा, वीडियो केसर सिंह, गुमान सिंह, संतोष सिद्ध, हीर सिंह, विक्रम सिंह, भोमाराम, डोंगराराम राणा, अरविंद पारंगी, माधाराम, दलजीत सिंह, सुरज्ञान कंवर, मेघ सिंह, सगनलाल, असलम खान सहित कई जने मौजूद थे। ग्रामीण ओलंपिक खेल में ब्लॉक स्तर पर कबड्डी पुरुष वर्ग में डाबली, महिला वर्ग में डाबली व खो खो महिला वर्ग में शाइला की टीम विजेता रही व क्रिकेट पुरुष वर्ग में प्रतियोगिता में उम्मीदाबाद व महिला वर्ग में सौरव की टीम एवं वॉलीबॉल पुरुष में डाबली और महिला वर्ग में डांगरा की टीम विजेता रही तो शूटिंग वॉलीबॉल में शाइला की टीम विजेता रही व हॉकी पुरुष व महिला दोनों वर्ग में तिलोड़ा की टीमें विजय रही। और बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित हो गया, कुशलता पूर्वक भी, और जिसे कहना चाहिए कि सब कुछ शांति से निपट गया। इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, इतने बच्चे इकट्ठे होते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात कोई किसी को लग जाए कर जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब कुछ शांति से निपट गया पूरे अपने समिति में। और अब जिला स्तर पर हमको जाना है और जिला स्तर पर झंडे गाड़ना है। अभी कह रहे थे कि डाबली वाले इतना सक्सेस क्यों हो रहे हैं, सवाल उठा कि डाबली वाले इतना सक्सेस क्यों हो रहे हैं, कोई भेदभाव तो नहीं हो गया, गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो मैं आपको बता दूं, एक तो राज की बात यह है कि डाबली इस पंचायत में चौचुआ डाबली खारी घर घर में गाय भैंस है, घर का दूध, घर का दही, घर का मक्खन और घर के बाजरे की रोटी और सब कुछ देसी शुद्ध खाना मिल रहा है उनको, खुद के खेत की बाजरी। तो एक तो वो कारण है। दूसरा कारण यह है कि उस पंचायत में मैं वहां जब चौचुआ में गया था करके में, तब मैंने कहा भी था वहां के सारे बच्चों के हाइट बहुत अच्छी है, खेल में हाइट काम आती है, हाइट का अपना लाभ होता है। एक दीपिका दौड़ेगी तो 2 फीट का कदम लेगी और डाबले की बच्ची दौड़ेगी तो 3 फीट का कदम ले लेगी, तो वो फायदा मिलता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा डाबली वालों को मिल रहा है वो है उनके पीटीआई में तालियां बजाने के लिए। खेलों के प्रति इतना समर्पित है ये आदमी कि बस भूत की तरह लग जाता है और कुछ नहीं दिखता, बस खेल 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 खेल, खेल।